मुझे तो ये लगता है कि ये जो जॉना मैं कर रही हूँ, थ्रिलर का जॉना, पहले कभी नहीं किया है, तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी। जहाँ हम शूट कर रहे थे वो भी काफ़ी सुनसान खौफनाक जगह थी, तो काफ़ी मदद हुई वहाँ शूट करते टाइम। और मुझे बस लगता है कि ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मुझे बहुत मज़ा आया। जी ऑब्वियसली, मतलब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड है जैसे आपने देखा होगा, और मतलब मैंने एक थ्रिलर की है पहले, लेकिन जितनी वेरिएशन मैंने इस फिल्म के अंदर इस कैरेक्टर में जो मैंने करी है वो शायद मैंने पहले कभी भी नहीं करी है। और रुक्मिणी मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है, जो मैं हूँ रियल लाइफ में उससे मुझे लगता है कि बहुत ही अलग है। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। एंड जैसा उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अलग दुनिया है, जैसे आई थिंक हमको ट्रेलर से भी रिस्पॉन्स देखने को मिला कि कुछ अलग दिखा, कुछ अलग यू नो लाइक वर्ल्ड है एंड बहुत बिलीवेबल वर्ल्ड है। सो इंटरेस्टिंग। एंड उसमें ऑफकोर्स थ्रिलर एस्पेक्ट, मर्डर, एवरीथिंग। जो भी आपने ट्रेलर में देखा फिलहाल, उससे ये साफ जाहिर है कि जो राजा साहब का कैरेक्टर है, जो सारा के फादर का कैरेक्टर है, मैं उनका सबसे करीबी बंदा हूँ उनके आसपास। और क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, तो जैसे शक का घेरा जो है, क्योंकि मैं राजा साहब के सबसे करीब हूँ, इस वजह से शक का घेरा मुझ पर भी है और भी लोगों पे है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है पूरा। जैसे मैम ने भी कहा कि ऐसा, मैंने हालांकि 2-3 थ्रिलर्स किए हैं पहले, लेकिन पहली बार शायद इस जॉनर में ऐसा कोई किरदार मैंने किया। जैसा कि सारा जी आपने बताया कि ये आपकी फर्स्ट सस्पेंस थ्रिलर है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए एंड कितना इजी था एंड जब स्टेप फॉर्म आपने था? तो दो दो चीज़ें हैं। एक तो मैं इससे शुरुआत करूँगी कि चित्रा मैम के साथ जो मेरी बॉन्डिंग रही है, बहुत इजी ब्रीजी, हम लोग जिम करते थे साथ, हम लोग सेट पे बातें करते थे साथ। ऐसे वक्त पे एक बार तो पवन सर ने हम दोनों को बोला कि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, क्योंकि हम दोनों के बीच में टेंशन चाहिए था और वो था नहीं, बिकॉज आई थिंक आई बिकेम फ्रेंड्स विद चित्रा मैम रियली फास्ट। तो आई थिंक दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर। और चैलेंजिंग तो था, क्योंकि ये जो व्हीलचेयर है इसको चलाना और ऐसे चलाना जैसे कि आपको लगे कि मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, वो ट्रिकी था। तो हाँ, प्रेप करना पड़ा, लेकिन मज़ा आया। मैं खुद शक के घेरे में हूँ। ये भी है एक्चुअली, आप हम सब शक के घेरे में, आपको तब पता चलेगा दैट ये जितनी ऐसी इनोसेंट नहीं है इन द फिल्म। नहीं बट बहुत अच्छा लगा। द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज कि जब भी हम वापस जाते थे सेट पे, क्योंकि पूरी फिल्म में एक बहुत स्लो बिल्डअप ऑफ टेंशन है, लाइक कंटिन्यूस टेंशन है, ऐसा नहीं है कि अभी टेंशन बिल्कुल नहीं है, इट्स लाइक अ स्लोली ग्रिप्स एंड कीप्स गेटिंग टाइटर एंड टाइटर। तो हमेशा सेट पे को लाइक यू हैड टू गेट इन दैट मूड अगेन, फिर से आपको वापस से उसमें, तो थोड़ा सा लाइक ओवर 35 days थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप रोज सेट पे पहुँचे एंड अगेन यू आर यू नो in that mood, but other than that it was fun. So yeah, like her making me laugh was like, oh, I should pay her for that. Sure. So, I charge by the minute. Yeah, by the joke, huh? by the joke. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Andhadhun was a great thriller. Yeah, for me. मुझे उसकी पेस बहुत अच्छी लगी थी, वो फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग है, उसकी जो एक पेस है, वो इतनी ज़्यादा लाइक प्लॉट इज़ हैवी बट इट्स नॉट कि आपके पास एक के बाद एक प्लॉट लाइन फेंकी जा रही है, इट्स जस्ट स्लोली, लाइक आई रियली लाइक अ स्लो बर्नर, इज माय पर्सनल फेवरेट। जी एंड लास्टली डिज्नी हॉटस्टार पे 31st ऑफ मार्च को गेस्ट लाइक ये स्ट्रीमिंग होने वाली है, उसकी बात वुड यू लाइक टू से समथिंग अपने फैंस के लिए, ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा है? प्लीज़ थैंक यू सो मच। आपने अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म बाकी है, फिल्म इज़ इवन मोर प्रॉमिसिंग। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो 31st of March को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर गैसलाइट जरूर देखिए।
एक्सक्यूज मी दादा, दादा वेट वेट वेट, सारा जी पासिंग हो रहा था। ऑल ऑफ यू सेंटर, चित्रांगना जी सोलो या थैंक यू मोबाइल पीछे यहाँ भी सेंटर में भी है रोड ठीक है। थैंक यू गाइस।